इतिहास गवाह है कि खेती की खोज महिलाओं ने की, लेकिन महिलाएं चाहे वो भारत में हो भारत के बाहर हो किसान नहीं कहलाती, खेती पर उनका नियंत्रण नहीं है। खेती में सबसे बड़ी प्रक्रिया हल चलाने की मानी जाती है और भारत में ज़्यादातर जगहों पर महिलाओं को हल पकड़ने की मनाही है। बिहार में महिलाओं को किसान का दर्जा कभी नहीं रहा। बिहार की राजधानी पटना स्थित एकता परिषद एवं प्रैक्सिस नामक सामाजिक संगठनों ने बिहार में एक पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च किया, जिसमें एक तथ्य उभर करके सामने आया कि सिर्फ 1% महिलाओं के पास बिहार में जमीन पर मलकियत के अधिकार हैं। इस पितृतात्मक समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाए, उस मिथक को तोड़ा जाए, महिला किसान की अवधारणा को समाज में स्थापित किया जाए, महिलाओं के द्वारा जमीन और जमीन से होने वाले उत्पादन पर नियंत्रण और अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। इतनी गहरी विषमता की पृष्ठभूमि पर मुन्ना देवी एक आशा की किरण के रूप में उभर करके आई। वह एक महिला किसान है। वह पटना जिले के विक्रम प्रखंड के 12 गांव के मुसर टोले की रहने वाली। सामूहिक खेती कैसे शुरू किया आप? जैसे हम लोग अपने में मीटिंग किए, दो रुपया जमा किए, जमा कर करके हम सोचा हम लोग कि कुछ पैसा अपनों भी भैया लोग आए समझाए बुझाए, हम कुछ पैसा मांग करके अपना खेती उठाए, उसके हम लोग के आगे चल के व्यवस्था हो जाए। खेती लिए तो कुछ मोरी दिए, बिया दिए, जो तो आया सब हम लोग खेती अपना मिल करके, फिर पानी उन्हें पटवन किए, वर्षा नहीं होता पानी पटवन किए मोटर से। आपके जो टोला में ये महिलाएं मिल करके खेती कर रही हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, खेती कर रहा है सबको, ये बेटी है पुतो है उनमें लागल, फायदा है लाभ है। हाँ, अच्छा लगता है आपको कि खराब लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, उसे बहुत भी फायदा है। हाँ हाँ, करके हम लोग ना खाएंगे। हाँ, तो आप लोग क्या बोले उनको कि हंसने से क्या होगा? हंसने से क्या, तुम हंसते रहो, हम लोग खेती करेंगे, कमाएंगे, अपना देह में धूल लगा के खाएंगे। एक गांव है 12, जिसमें महिलाओं ने सामूहिक रूप से खेती 2008 से प्रारंभ किया है और इस खेती को देखते हुए अगल बगल के कई गांव में महिलाओं ने सामूहिक खेती प्रारंभ किया है। मुन्ना देवी ने खेती करना तय कर लिया है। फिर से एक बार बिहार से ही बदलाव की शुरुआत होगी। इंडिया अनहर्ड से कम्युनिटी करेस्पॉन्डेंट वर्षा।